हाय दोस्तों, मेरा नाम है निखिल जैन और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुछ तो करिए। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोट वॉच टॉम जो मेरे पास आई है। ये मेरा नहीं, मेरी बहन का प्रोडक्ट है। पूरा डिटेल रिव्यू करूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। कॉलर पे तो अटैच नहीं कर पाया, ट्राई किया मैंने बहुत जुगाड़ करने का, बट वायर का मीटर ज्यादा लंबा नहीं है जिधर मैं प्लेस करता हूँ। यही वीडियो में मैं इसको कॉलर पे भी लगा के यूज करूंगा, तो ये इसका भी रिव्यू हो जाएगा और इसका भी। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया है मेरे पास मेरी वॉच। तो मैं आपको बॉक्स का कंटेंट पढ़ के बता देता हूँ। वॉच टॉम देख सकते हैं, बोट की ब्रांडिंग दी गई है। अ टाइमलेस परसूट, 580 एम वाटर रेजिस्टेंट, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, कॉल एंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन विथ वाइब्रेशन अलर्ट। तो इसमें वाइब्रेशन अलर्ट है, आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। मेंसुरेशन साइकिल ट्रैकर, और यहाँ पे वेलनेस मोड दिया गया है, जो स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर। जो रिसेंटली अभी पैंडेमिक चल रहा है तो हमें हार्ट रेट सेंसर ट्रैक करते रहना चाहिए। जो SpO2 सेंसर है वो काफ़ी अच्छा है। पीछे इसकी MRP प्राइस अगर आपको दिख रही रहेगी, यहाँ पे मेंशन की गई है 5,990 रुपीज़, बट अपने को तो मिल गया है 1,990 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा था। और ये यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। सेडेंटरी अलर्ट, यानी ज़्यादा देर तक आप बैठे रहेंगे तो वाइब्रेट करेगी और आपको बताएगी कि आप बहुत टाइम तक बैठे रहे, थोड़ा उठ के वॉक कर लीजिए। फिर यहाँ पे कैलोरीज स्टेप्स एंड डिस्टेंस ट्रैकर है। कंपैटिबल, यानी इसमें जो ब्लूटूथ का वर्जन है तो वो कौन से इसमें चलेगा। तो ब्लूटूथ तो इसमें बता दूँ 4.2 है, और ये कंपैटिबल है iOS 8 एंड अबव, एंड्रॉयड 4.4 एंड अबव। फाइंड माई फोन काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपका फ़ोन कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो आप मोबाइल में सॉरी वॉच में टैप करेंगे तो आपका कहीं भी फ़ोन होगा तो वो रिंग करने लगेगा। 2.5D कर्व डिस्प्ले है इस पर, और 1.3 इंच तक फुल टच, यानी के लिए जो डिस्प्ले है इसका 1.3 इंच तक आप टच कर सकते हैं। मल्टीपल वॉच फेसेस है और म्यूज़िक कंट्रोल का फीचर है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख सकते हैं आप, सील पैक है तो इसको खोल देता हूँ मैं। फिलहाल आप जो ऑडियो सुन पा रहे हैं, मैंने मेरा माइक कॉलर में लगाया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसी है ऑडियो। और बॉक्स का सारा चीज़ निकाल लिया मैंने। ये इनका ब्रोशर, जो कैटलॉग बोल सकते हैं आप, अदर प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको साइड में दे रख देते। ये 1 ईयर वारंटी कार्ड, इसको भी साइड में रख देता हूँ मैं। और ये यूज़र मैनुअल, और ये वो एप्लीकेशन के लिए QR कोड है जो बोट का खुद का एप्लीकेशन है ये स्मार्ट वॉच के लिए। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं। और ये बोट हेड्स का स्टिकर है जो आप लगा सकते हैं। ये है वो केबल, पहली बार ऐसा सील पैक आया है, मस्त लग रहा है ये। नहीं तो यूजुअली प्लास्टिक फाड़ के ही निकालना पड़ता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप है जो चार्जिंग के लिए यूज़ करनी है। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने वॉट तक का चार्जर सपोर्ट करता है, एडाप्टर कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन पे, 5 वॉट 2 एम्पियर। तो इतना ही आउटपुट वाला चार्जर यूज़ करिएगा, ज़्यादा हाई वोल्टेज डार्ट चार्जर से आप अगर कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, आपका वॉच का बैटरी लाइफ ख़राब और डैमेज होने के चांसेस हैं। तो ये रही वो वॉच, वाओ काफ़ी मस्त दिख रही है। इसका जो बेल्ट है देख लेते पहले। बेल्ट ऑन एन एवरेज ठीक क्वालिटी का लग रहा है, ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक स्टिकर दिया गया है, मैं इसको निकाल देता हूँ और इसको साइड में रख देता हूँ। देख पा रहे हैं कर्व सा है, 2.5 5D कर्व जो यहाँ मेंशन किया गया था बॉक्स के ऊपर, 2.5D कर्व। तो ये कर्व है, यहाँ पे सिंगल बटन दिया गया है, यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो आपकी स्लीपिंग ट्रैक करेंगे और SpO2 लेवल ट्रैक करेंगे, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वो चार्जिंग इनपुट है जो आपको चार्जर लगा के कनेक्ट करना है चार्ज करने के टाइम।
ये बेल्ट निकल सकता है, आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग दी गई है, इसको ऑन कर लेते हैं, फटाफट चेक करते हैं कैसा चलता है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने इसमें इसको ऑन करके एक दिन पूरा यूज़ किया है। पीछे जो बॉडी है वो मेटल की है, वो काफ़ी अच्छी है ये प्राइस पॉइंट पे, तो ये सारे सेंसर देख पा रहे हैं। ये बटन है जिससे ऑन किया है, बट मेरे को ऑन करने से पहले मुझे एक बार चार्जिंग कनेक्ट करना पड़ा, उसके बाद मैंने ऑन किया है। और मैंने इसको ऐप से भी कनेक्ट कर लिया था, देख सकते हैं आप, यूज़ कर चुका हूँ मैं। और अभी मैं इसको, मैं आपके आपको सारी फीचर्स बता देता हूँ पहले तो इसके। ये देखिए, जब आप नीचे स्वैप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे, या जो जो नोटिफिकेशन आपने ऑन किए हैं। बेसिकली अगर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा तो ऑन स्पॉट आप रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप रीड नहीं कर पाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये टच रिस्पॉन्स मुझे इतना खास नहीं लगा, बट ऑन एन एवरेज ओके है। अब मैं लेफ्ट साइड स्वैप करता हूँ तो मुझे दो तीन चीज़ें मिल जाती है। ये हार्ट रेट सेंसर है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ लिंक हो रहा है, यानी ये कनेक्टेड नहीं है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए बंद करता हूँ। ये देखिए, ये बंद हो गया है। ये रिस्ट पे जो वेक होता है, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है, बट एक तरह से ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो इसको जब भी आप सो रहे हो, या अगर ज़्यादा आप यूज़ नहीं करने वाले हो रिस्ट वेक, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा टाइम तक सेव होगी। देखिए, आप देख सकते हैं टच इतना खास नहीं है। ये DND है और ये फाइंड माई डिवाइस है। अभी फ़िलहाल फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, और फाइंड माई डिवाइस दो ही टाइम काम कर सकता है, पहला जब आपका मोबाइल 10 मीटर्स के रेंज में हो, और सेकेंडली ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो। तो ये दो चीज़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वॉच फेसेस तो काफ़ी है, लेकिन ये आप इसमें चार ही वॉच फेसेस आएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 9 एक्टिविटीज़ है, रन, वॉक, बाइक, हाइक, क्लाइंबिंग, ट्रेडमिल, स्पिनिंग, योगा, ये सारे एक्टिविटीज़ है। ये कितने परसेंट एक्यूरेट है मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सारे नहीं यूज़ किए। वॉकिंग का यूज़ किया है मैंने, वॉकिंग मुझे ऑन एन एवरेज ठीक लगा, 80 to 90% आप बोल सकते हैं एक्यूरेट है। तो अभी ये जो हार्ट रेट, SpO2 और ब्लड प्रेशर है, मैं टेस्ट करूंगा, बट आपको और फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पे रिलैक्स मोड दिया है जो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत टेंसड है, या फिर आपको लग रहा है आप आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, तो बेसिकली आप इसको टच करेंगे और यहाँ पे 1 मिनट या 2 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम है, जिसको आप अगर प्ले करते हैं तो ये एक बार वाइब्रेट होगा, देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद आपको ब्रीदिंग कैसे लेनी है, इनहेल एंड एक्सहेल कैसा करना है, वो गाइड करेगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। फिलहाल के लिए मैं बंद कर देता हूँ। अब बात करते हैं अलार्म की, तो अलार्म भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, मोबाइल में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसमें आपको पहले सेट करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे से सेट नहीं कर सकते हैं, और इसमें कोई भी वॉइस नहीं आती है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेशन इसकी काफ़ी स्ट्रांग भी है, जो आपको मेरे ख्याल से यूज़फुल होगी, चाहे नोटिफिकेशन के लिए हो या वेकअप के लिए हो। तो ये हार्ट रेट सेंसर, SpO2 और ब्लड प्रेशर के लिए तो मुझे हाथ पे पहनना पड़ेगा, तो मैं एक बार पहन लेता हूँ। इसके जो बेल्ट है मुझे ऑन एन एवरेज ठीक लगे, इतने खास नहीं लगे, थोड़ा ऐसा लग रहा है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया है इन्होंने, पर ठीक है, अभी इसका टेस्टिंग कर लेते हैं हम। बेल्ट में जो क्लिप दिया है ये काफ़ी अच्छा है, ये बेसिकली इसमें एक आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये होल में अटक जाएगा ताकि वो स्टेबल रहे। करीबन 10 सेकेंड्स लगते हैं इसको डिटेक्ट होने में, और ये बोल रहा है हाथ सीधा ही रखिए। यहाँ पे ये एक उंगली जितना गैप रखिए तो ये करेक्ट मेजर कर लेगा, ये यूज़र मैनुअल में मेंशन है। यूज़र मैन देख पा रहे हैं आप, 98 है। अगर ये आप सेंसर को अपने उंगली पे रखेंगे, थोड़ा सा एक्यूरेट आने का चांसेस है, बट ये वॉच है तो इसलिए हम हाथ पे ही रखते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते टाइम भी करीबन 20 सेकेंड्स लगे थे मैंने लास्ट टाइम जब मेजर किया था। तो डिपेंड करता है आई गेस यूसेज पे, कि कितना यूसेज हो रहा है, तो ये फटाफट भी डिटेक्ट कर लेगा। अभी 10 सेकेंड्स के तो ऊपर हो ही गए, लेट्स सी। हाँ, देख सकते हैं ये डिटेक्ट कर लिया है। यूज़र मैनुअल में ये भी मेंशन किया है, ये सब खाली नंबर्स को आप एज अ रेफरेंस ट्रीट कीजिएगा, प्लीज़ इसको 100% एक्यूरेट मत मानिएगा। अगर ज़्यादा कुछ सीरियस है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा।
यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग मेरा ऑन ही है कंटिन्यूसली, तो मैंने एक बार चेक करने के लिए देखा तो 92 दिखा रहा है, जो कि अच्छा फीचर है इसका, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अलार्म तक, अब बात करते हैं म्यूजिक कंट्रोल। तब म्यूजिक कंट्रोल तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपका डिफॉल्ट एप्लीकेशन सेट रहेगा आपके डिवाइस में, तो वो एक्सेस कर पाएगा। टाइमर में भी एक अच्छा फीचर है, ये स्टॉप वॉच है और ये यहाँ पे हम टाइमर सेट किए हैं 5 सेकेंड्स का, तो अभी ये चालू किया है मैंने, चालू होते ही एक वाइब्रेशन फील हुआ है और बंद होते ही ये 3 बार वाइब्रेट करेगा। ये एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है और ये 3री बार, और वाइब्रेशन सच्ची में काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये चीज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा है। सेटिंग्स की बात करें तो डायलर में चले जाते हैं तो 4 ही वॉच फेसेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक टाइम पे, तो ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा फीचर है ये, ज़्यादा नहीं भी हो तो चलेगा, बट डिवाइस में आप काफ़ी स्टोर कर सकते हैं। ब्राइटनेस की बात करूँ तो इंडोर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये फुल पे है फिलहाल ब्राइटनेस, मैं एकदम लो पे रख देता हूँ फिर भी विजिबल है, ये नाइट मोड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पे रखता हूँ तो मीडियम रेंज पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडोर के लिए तो अच्छा है, बट आउटडोर के लिए आपको मोस्टली रिकमेंडेड है कि थर्ड पे ही रखिए, और आउटडोर पे मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चाहते हैं अबाउट्स में, तो अबाउट में आपका मॉडल नंबर और मैक नंबर जो है वो लिखा हुआ है, और ये शटडाउन, तो ये सारे फीचर्स हो गए। स्पोर्ट्स का अभी फिलहाल आपको कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में जैसे आप वॉच फेसेस रखेंगे वैसे आपको डिस्प्ले में चीज़ें मिलती जाएगी। आप स्वैप अप करेंगे तो और भी फीचर्स है, जैसे स्टेप काउंट दिखा रहा है, ये जो आपने टारगेट रखा है 10,000 का, तो टारगेट आप चेंज कर सकते हैं डिवाइस के थ्रू, ये कितना मीटर मैं चल चुका हूँ लोकेशन के हिसाब से, कैलोरीज कितनी बर्न कर चुका हूँ, और अभी वीक वीक का डेटा दिखा रहा है बट यूज़ करके तो एक ही दिन हुआ है, और ये मतलब टोटल आप बोल सकते हैं कि 1 या 2 दिन का ही डेटा है, यानी कल मैंने अनबॉक्स किया था और आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ही थी सारे फीचर्स, मैं आपको एप्लीकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए, ये मैंने ऐप ऑन कर दिया है तो ये मेरा सारा डेटा सिंक्रो हो गया है, फिर भी मैं वापस सिंक्रो कर देता हूँ, तो जैसे ही आप देख सकते हैं सिंक्रो डाउन पुल करेंगे तो सिंक्रो होगा, और यहाँ पे जैसे ही सिंक्रो होगा ये वापस रिफ्रेश होगा, और यहाँ पे डिटेल्स आ गई है, तो पहले वॉक देख लेते हैं। तो ये बता रहा है यहाँ पे 0.46 माइल मैंने डिस्टेंस कवर किया है, 38 फीट 50 इंचेस तक, ये ऑन एन एवरेज बता रहा है ये, 42 कैलोरीज बर्न आउट हुई है। स्लीपिंग ट्रैक किया है जो कि कल रात को मैं पहन के सोया था, यूजुअली मुझे गैजेट्स पहन के और पास में रख के सोने का शौक नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, डीप स्लीप इसने मॉनिटर किया, मतलब रात को अगर मैं टोटल 7 आवर्स 30 मिनट सोया हूँ तो 1 घंटा 14 मिनट ही मैं अच्छे से सो पाया हूँ, बाकी टाइम पे मैं नॉर्मल स्लीप में था, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो 5 घंटा 40 मिनट लाइट स्लीप थी और 1 घंटा नहीं आधे घंटे के आसपास मैं जगा हुआ था, तो वो भी ऐसा कंटिन्यूस नहीं है, आप देख सकते हैं चार्ट से मालूम पड़ेगा। अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो मैंने ब्लड ब्लड प्रेशर 3 बार मेजर किया था, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे स्लीप का डिटेल्स आपको जानना है तो यहाँ पे स्लीप का बताया है, और हार्ट रेट का जानना है तो हार्ट रेट का बताया है। अब यहाँ पे डिटेल्स में और मेंशन किया गया है सेम चीज़ों के बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, होम पे तो सारी चीज़ें देते हैं ठीक है, बट डिटेल्स में ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, वही वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन को अपडेट होना पड़ेगा लगता है। और यहाँ पे अभी जस्ट मैंने ऑन किया था तभी 1 दिन बाद अपडेट आया है, तो अपडेट होने में करीबन 3 से 4 मिनट लगे, और ब्लूटूथ से कनेक्ट रखिएगा डिवाइस जब आप अपडेट करते हैं, तो अपडेट में मैंने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे दिखाऊँ मैं तो ये आप अपडेट का वर्जन देख लीजिए, यहाँ पे V1 0.8 ये अभी जस्ट अपडेट हुआ है, और कल मैं जब डिवाइस यूज़ करना तो इसकी बैटरी 71% थी, और अभी करीबन 12 घंटे हो चुके, करीबन 12 घंटे हो चुके और आप देख सकते हैं 56% बैटरी है, तो कंपनी क्लेम करती है इसकी बैटरी लगभग 8 से 10 दिन चलेगी, जो कि 2010 mAh की बैटरी है, बट मुझे लगता है 5 से 6 दिन चलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉल अलर्ट चालू कर दिया है, तो जब भी कोई चीज़ ऑन करें आप तो यहाँ पे टच करिए, बट यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए, देखिए स्मार्ट गियर विल वाइब्रेट इन 1 सेकेंड आफ्टर फोन रिंग्स, यानी आपका फोन जब बजेगा उसके 1 सेकेंड बाद ही आपको वाइब्रेशन फील होने लगेगी, जैसे ही आप कोई भी चीज़ सेव कर लेते तो इसको ऑन कीजिए नोटिफाई होगा और अपने आप बैक हो जाएगा, मतलब ये सेव चेंजेस हो गए, नहीं तो आप ऐसा क्लिक करके बैक हो जाएंगे तो ये चेंजेस नहीं सेव होंगे। ये बाकी सब चीज़ें भी मैंने ऑन कर दी है, SNS अलर्ट में मैंने सारी नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए, देख सकते हैं आप, खाली व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन ऑन की है जो कि मुझे नहीं लगता है वो भी कुछ काम की है खास, तो अभी मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ।
यहाँ पे डायलर सेटिंग में आप देख सकते हैं, मैं डायलर सेटिंग ऑन किया है, वॉच फेसेस दिख रहा है। तो वॉच फेसेस यहाँ पे बहुत सारे हैं, अभी फिलहाल मैंने मोबाइल फ्लाइट मोड पे रखा है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑप्शंस। नहीं तो यहाँ पे आप जाएंगे क्लाउड वॉच फेसेस में तो आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे कौन से वॉच फेसेस आपको रखना है। म्यूजिक कंट्रोल की बात करूँ तो म्यूजिक आप ऑपरेट तब भी कर सकते हैं जहाँ पे आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक को डिफॉल्ट सेट किया है, देख सकते हैं आप जो चूज करना चाहे कर सकते हैं। और फिर आप अपने डिवाइस से यानी अपने बोट स्मार्ट वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वेक जेस्चर जो है ये हमेशा ऑफ ही रखिए 70-80% जब भी आप ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाले हैं, बाकी ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अभी मैं आपको इसकी एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो यूज़र है, पहली बात तो ये बता दूँ, ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ये टुडेज़ रैंकिंग है। बट अगर आप चाहे तो लॉग इन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मत कीजिए। गोल सेटिंग्स आप रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये प्लस का सिंबल क्या है, बेसिकली आप ये बताना भूल गया। यहाँ पे आप जो स्पोर्ट्स फीचर्स है इसके, ये सारे यहाँ से नेविगेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया बट आपको अभी इसकी एक झलक दिखा देता हूँ। चलिए एक और बात बता दूं, ये वीडियो में मैंने मेरा माइक यूज़ किया है जिसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये पहला टेस्टिंग है माइक का। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे वायर कनेक्ट करके ये साइड में प्लेस करना पड़ा। ऑडियो अच्छी तब आती है या तो ये माइक कॉलर पे प्लेस होता या तो माउथ के पास होता। लेफ्ट साइड प्लेस होने की वजह से लेफ्ट साइड वॉल्यूम का वेटेज काफ़ी ज़्यादा आएगा अगर आप ईयरफोन में सुनेंगे। बट प्लीज़ इसके बारे में भी कमेंट करके बताइए क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है अगर रिटर्न करना है तो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी फीचर्स इसमें इनपुट करने की कोशिश की है, बट मैं इतना इसको मतलब वेटेज नहीं दे सकता बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच अवेलेबल है जो काफ़ी अच्छे फीचर्स देती है। और मेरे चैनल पे ऑनर बैंड 5 का भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो इसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इतना ही था इस वाली वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो, कमेंट हो तो प्लीज नीचे कीजिए या तो फिर इंस्टा पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।